हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लंच के इस नए वीडियो में। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से यानी कि फास्ट ट्रैक से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों साइडों में कुछ संख्याएं ली हुई हैं, जिसमें से एक तरफ वो संख्याएं हैं जैसे अगर हमें दो अंक की संख्या में गुणा करना है तो दो अंक की संख्या से ही गुणा कैसे करेंगे, और एक तरफ वो है जैसे कि अगर हमें तीन अंक की संख्या में गुणा करना है और गुणा करने वाली संख्या चार अंक की दी गई हो। देखिए इन सवालों का हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 78 × 99, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसे केवल आप 2 सेकंड में ही हल कर सकते हैं। ऐसी शानदार शॉर्ट ट्रैक है मेरे पास। जैसे इसमें आपको 78 दिया गया है तो इसमें से हम एक अंक कम करके लिख देंगे, तो 78 से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 77। अब यहाँ पर दो अंक है, यहाँ पर भी दो अंक है, तो ये टू डिजिट के लिए जगह छोड़ेंगे। अब यहाँ पर 99 है तो हमें इनको 99 में बदलना है। जैसे 7 है तो 7 में हम कितना ऐड करके 9 हो, 7 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 9 है, ये 7 है, तो हम 7 में कितना ऐड करके 9 हो जाए, 2। ये आपका सॉल्व हो गया है। इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरा में क्या है, 864 × 999, इसमें 3 डिजिट हैं। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो 3 डिजिट हैं इसमें यहाँ पर 4 है तो इसमें से हमें 1 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा 863, और ये 3 डिजिट के लिए हम जगह छोड़ेंगे, तो ये 999 है। अब हमें इनको 999 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 8 में हम कितना ऐड करें कि वो 9 हो जाए, तो 8 में 1 ऐड करेंगे तब वो 9 हो जाएगी। 6 में कितना ऐड करें कि वो 9 हो जाए, 6 में 3 ऐड करना पड़ेगा तब वो 9 हो जाएगा। 3 में हम कितना ऐड करें कि वो 9 हो जाए, 3 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तब वो 9 हो जाएगा। ये आंसर आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ये है 8547 × 999, इसमें हमें 1 अंक कम करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 8546, और ये 4 डिजिट के लिए जगह छूट गई है। अब इसमें हमें 9 में कन्वर्ट करना, तो ये 9 से 8 माइनस करेंगे 1, 9 से 5 माइनस करेंगे 4, 9 से 4 माइनस करेंगे 5, 9 से 6 माइनस करेंगे 3। अब ये संख्या दी हुई है इसमें से 1 माइनस करके लिख देंगे, तो ये 5, 4, 9, 8, 6 की जगह पर हो जाएगा 5। अब ये इसमें 5 अंक यानी कि 5 अंक हैं, तो हमें 5 डिजिट के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। अब 9 से 5 माइनस करेंगे 4, 9 से 4 माइनस करेंगे 5, 9 से 9 माइनस करेंगे 0, 9 से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और 9 से हम अगर ये 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। अब इसमें भी 5 डिजिट है तो इसमें भी हम 1 अंक कम करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2675, यहाँ पर 3 की जगह हो जाएगा 2, और ये 5 डिजिट के लिए जगह छोड़ेंगे। तो 9 से 2 माइनस करेंगे 7, 9 से 6 माइनस करेंगे 3, 9 से 7 माइनस करेंगे 2, 9 से 5 माइनस करेंगे 4, और 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7। इसी तरह आपके ये वाले हैं, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, इसमें हमें थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे इसमें करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। इसमें से एक अंक कम करके लिख देना है 863, और यहाँ पर ये देखिए, जैसे यहाँ पर 9 4 बार है और ये 3 बार है, तो इसमें जो 9 एक बार ज्यादा है उसको हम यहाँ पर बीच में लिख देंगे 9। अब हमें फिर से वही यही वाली ट्रिक करनी है, जैसे 9 से 8 माइनस करेंगे 1, 9 से 6 माइनस करेंगे 3, और 9 से 3 माइनस करेंगे 6। ऐसे ये है, ये 76 है,
तो इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो 75। अब ये 9 एक बार ज्यादा है तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे बीच में। अब 9 से 7 माइनस करें तो ये 2, 9 से 5 माइनस करें तो ये 4, ये भी आपका हो गया। इन आंसरों को आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी फॉर लर्नर्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। ये आपके 4 डिजिट दिए गए हैं, यहाँ पर 5 हैं, तो इसमें से 1 कम करेंगे तो 8944, और ये 9 है जो 1 यहाँ पर ज्यादा है वो यहाँ पर बीच में लिख देंगे। अब 9 से 8 माइनस करें तो 1, 9 से 9 माइनस करें तो 0, 9 से 4 माइनस करें 5, और ये 9 से 4 माइनस करें तो 5। ऐसे ये यहाँ पर 3 डिजिट हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो 863। सॉरी, ये तो आपका ऊपर वाला ही आ गया, ये गलती से लग गया है, तो इसका वही आंसर हम टिप कर लिख दें, यानी कि निकल करके लिख दें, कॉपी करके लिख दें। ये देखिए 54 × 999, इसमें क्या कहना है, 54 है, 1 अंक माइनस करेंगे तो 53। अब ये 9 1 बार ज्यादा है तो इसको बीच में लिख देंगे। अब 9 से 5 माइनस करें तो 4, और 9 से 3 माइनस करें तो 6। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल स्टडी फॉर लर्नर्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।